हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैन्सी क्लासेस एंड दिस इज नैन्सी। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीईटी एग्जाम को लेकर। तो पीईटी के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 जुलाई को क्लोज हो गया था। उसके बाद आपको एक डेट दी गई थी कि 3 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलती हो जाती है तो वहां पर आप करेक्शन कर सकते हैं। तो 3 अगस्त आपकी लास्ट डेट थी। उसके बाद आपके यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, आयोग के द्वारा एक नंबर जनरेट किया गया है कि इस बार कुल कितने अभ्यर्थियों के द्वारा इस बार आवेदन किया गया है। तो इस बार 37 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस बार आवेदन किया है। और पिछली बार जो आवेदन किया गया था लोगों के द्वारा, तो इस बार अगर देखा जाए तो लगभग दोगुने बच्चों ने आवेदन किया है। एक तो रीजन इसका ये है कि इसकी वैलिडिटी 1 साल है। तो पिछले साल के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, तो वो भी इस बार इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। इस वजह से ये नंबर बहुत ज्यादा हो चुका है। तो 37 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं और एग्जाम इस बार जो है तगड़ा होने वाला है, कॉम्पिटिशन तगड़ा होगा। और आपको एक अपना लेकर चलना है कि मुझे कितने मार्क्स इस बार लाने होंगे। तो आपको कम से कम, यहाँ पर आपको देखा जाए तो कम से कम 80 से 85 नंबर तो लाने ही चाहिए, तब जाकर आप एक सेफ जोन में रहेंगे, ताकि आपकी 2023 में आने वाली जो वैकेंसी है उनमें आप अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो 2023 की वैकेंसी में अगर आपको अप्लाई करना है तो जरूरी है कि आप कम से कम 80 से 85 नंबर तो लेकर ही आए। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि कौन लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन लोअर पीसीएस के लिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हम सारे के सारे एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा करवाए जाते हों उनके लिए अप्लाई करवाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको एक अच्छा स्कोर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि वर्तमान में कुल कितने लोगों ने आवेदन किया है। और पिछली बार एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि ये एग्जाम आपका पहली बार कंडक्ट हुआ था, तो जिस वजह से वहां पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी सेंटर को लेकर। तो इस बार आपका पीईटी एग्जाम में सेंटर को लेकर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है कि इस बार ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोगों को पिछली बार ऐसा सेंटर मिल गया था जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, तो इस बार इन सब चीजों का भी ध्यान दिया जाएगा। तो आपका एक जो डेट बताई गई है आयोग के द्वारा कि आपका एग्जाम कब तक होगा, तो एक डेट जो बताई गई थी कि 16 सितंबर तक आपका जो है एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये तो आपका निश्चित है, आप मान के चलिए। लेकिन इस बार इतने ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है कि जिस वजह से थोड़ा सा आयोग को भी टाइम लगता है चीजों को मैनेज करने में, कि इतने बच्चों को किस तरीके से वो मैनेज करेंगे। तो इसके लिए आप ये तो समझ कर चलिए कि हो सकता है कि आपकी शिफ्ट जो है ज्यादा हो, जैसे आपके अन्य परीक्षाओं में शिफ्ट होते हैं, तो उस तरीके से आपकी शिफ्ट रखी जाएंगी। पिछली बार जब ये परीक्षा हुई थी तो आपकी 2 शिफ्ट थी, Shift 1 and Shift 2। लेकिन इस बार अलग अलग डेट में भी संभावना है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को मैनेज कर पाना एक दिन में असंभव है। ये तो इस बार ये भी आप मान के चलिए कि हो सकता है अलग अलग डेट में आपको शिफ्ट वाइज एग्जाम यहाँ पर देखने को मिले। नेक्स्ट है आपका कि पीटी एग्जाम के बाद आपको क्या करना है। तो पीटी एग्जाम के बाद आप देखिए, कई सारी वैकेंसीज हैं जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा दी जाती हैं। जैसे लेखपाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अभी लेखपाल की वैकेंसी जो आई थी उसका 31 जुलाई का एग्जाम भी आपका हो चुका है। उसके बाद आप जो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक गन्ना पर्यवेक्षक होता है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी जो जॉब मानी जाती है वो लोअर पीसीएस की मानी जाती है, तो इसके लिए आप आगे चल के अप्लाई कर सकते हैं। और ये निश्चित मान के चलिए कि 2023 में इन सभी की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो आप पीटी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाएंगे तभी आप इन सभी एग्जाम में बैठ पाएंगे। अदरवाइज हो सकता है कि आपके आयोग द्वारा एक निश्चित कर दिया जाए कि अगर आपके 80+ मार्क्स होंगे तभी आप लोअर पीसीएस का एग्जाम दे जाएंगे। अभी तो ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन आयोग के ऊपर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो पीटी एग्जाम के बाद इन एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्या परीक्षा सितंबर में होगी। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस बार बहुत ज्यादा बच्चों ने अप्लाई कर दिया है, तो आप नंबर देखिए कि 37 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, जो कि पिछली बार के दोगुने हैं, जस्ट दोगुने। आप देखेंगे तो लगभग आपके दोगुने बच्चे हैं इस बार, दोगुने बच्चों ने अप्लाई किया है। तो थोड़ा सा आयोग को समय लगेगा, तो अगर आपका एग्जाम 16 सितंबर को नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है 10 दिन बढ़ा दी जाए डेट। ठीक है, 26 सितंबर हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। 1 हफ्ता 10 दिन 11 दिन 12 दिन ये तो चलता है कि इतना ही बढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा आपका जो है नहीं बढ़ाया जाएगा। तो सितंबर में तो एग्जाम आपका निश्चित है, हो सकता है 10-12 दिन बढ़ा दें, ये हो सकता है। ठीक है, अगला है कि अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि इतना कम टाइम है इस एग्जाम के लिए, तो उसमें तैयारी कैसे करें, खासकर जो बिल्कुल फ्रेशर हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि इसमें एक 10th वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर रहा है एंड 12th वाला भी अप्लाई कर रहा है, ग्रेजुएशन वाला भी अप्लाई कर रहा है, जो कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए तैयारी कर रहा है तो वो तो अप्लाई कर ही रहा है। तो उनके लिए तो देखिए ये आसान है एग्जाम, क्योंकि वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। बट ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर है जिनको कोई आइडिया नहीं है, तो वो कैसे तैयारी करें,
इसके लिए तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से फ्रेशर्स को तैयारी करनी चाहिए, आप हमारे चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि सबसे पहले आप पीईटी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठाएं। प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर पिछली बार आया हुआ था, तो इस बार आपकी किस तरीके की संभावना है, तो यहां से आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी चीजों में। दूसरा, सिलेबस उठाएं, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करें। टाइम इतना कम है, एक एक टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे एग्जाम को। एटलीस्ट आपको 7 से 8 घंटे देना ही होगा, कम से कम आप 7 घंटे तो दीजिए ही पढ़ाई को, तब जाके आप इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे और एक अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। उसके अलावा आप बुक्स का पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक्स हम यहाँ पर यूज करें, तो रिसोर्सेज के बारे में मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अपने रिसोर्सेज को हमेशा लिमिटेड करके ही रखें। बहुत ज्यादा बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको बुक के लिए तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको सिर्फ एक ऐसी बुक चाहिए है जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाए, तो एग्जाम कार्ड की जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड है इनकी एक बुक है, गाइड है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए है तो उसके लिए भी एग्जाम कार्ड की जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड है इनकी, आप वहां से प्रीवियस ईयर वाला भी ले सकते हैं। और जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप पढ़े चाहे कम लेकिन प्रैक्टिस आप ज्यादा करें, तो प्रैक्टिस सेट आप एग्जाम कार्ड का ले सकते हैं, बेस्ट है। आप एक बार पढ़कर देखिएगा, मैंने पर्सनली इसको रीड किया है तभी जाके आपको बता रही हूँ। तो आप एग्जाम कार्ड का जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का यहाँ से ले सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारे के सारे मैंने लगाए हुए हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि आपको ये जो है बुक आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे कि अगर आपको सिंगल बुक चाहिए है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, तो एक गाइड अगर होगी तो आपको हेल्प मिलेगी, तो आप एग्जाम कार्ड की गाइड ले सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी ले सकते हैं और आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि नैनश्री क्लासेस के द्वारा एक फ्री क्रैश कोर्स चलवाया जा रहा है, उसमें आपको सारे के सारे टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं बीच में जाकर छोड़ दूंगी, तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए आई हूं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अब ये मेरा जीवन आप लोगों के लिए है, मैंने ये सोच लिया है कि अब मेरा ये जीवन आप सभी के लिए है, मैं इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को बीच में कैसे छोड़ दूंगी क्रैश कोर्स के, तो ये अपने मन से निकाल दीजिए कि मैं आप लोगों को बीच में छोड़कर जाऊंगी। मैं पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट कराऊंगी, अगर आपका एग्जाम एक्सटेंड भी होता है तो 45 डेज के बाद भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अभी वहां पर काफी सारी क्लासेस दे दी गई क्रैश कोर्स में, आप जाकर एक बार देखिए तो आपको भी समझ आएगा कि हाँ इस तरीके से तैयारी की जाती है, इस तरीके से हम एग्जाम को जो है क्रॉस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से वहां एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, नोट्स भी बनवाए जा रहे हैं, वो भी फ्री में। तो कई लोगों को लग रहा है कि मैं पेड भी इसको कर दूंगी क्योंकि इस तरीके का मटेरियल वहां पर दिया जा रहा है, तो मुझे आप लोगों से कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए आप लोगों से। ऑनेस्टली मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट बना रहे, आप लोगों का प्यार बना रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक चीज चाहती हूँ जो एक हर अध्यापक चाहता है जो YouTube पर पढ़ा रहा है, वो यही चाहता है कि आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए, मैं भी आप लोगों से बस यही चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच, आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।